हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड आप लोग अपने अपने घरों में होंगे एंड सुरक्षित भी होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो जो है ये है आई शेडो का, एंड ये जो आई शेडो है ये है एन वाई बे के आई शेडो। तो आज मैं इसका रिव्यू करने जा रही हूँ। एंड गाइस, ये आई शेडो मैं बता दूँ बहुत ही अच्छे आई शेडो हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि ये कैसे हैं, आपको परचेस करने चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले आप ये देख रहे हो, ये है एन वाई बे के आई शेडो। मैंने 4 आई शेडो मंगाए थे ये, और ये जो कलर हैं ये पर्सनली मेरे को अच्छे लगे। मतलब मुझे लगा कि ये कलर ऐसे हैं कि हर किसी के साथ चल सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं ये वाइट वाले के बारे में बता रही हूँ, एक एक करके सब दिखाऊंगी। तो ये है एन वाई बी ब्लिंकिंग आई शेडो हर्ट सन 25 इसका शेड नंबर है, हर्ट सन एंड 25 ये शेड नंबर है इसका। एंड आपको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड मिलता है, ये कागज़ की पैकेजिंग है, और इस तरीके से ओपन, मुझे पैकेजिंग काफ़ी अच्छी लगी इसकी। उसके बाद ये आपको आई शेडो मिलता है, इसके ऊपर भी वही सब लिखा है, एंड इसके पीछे आपको यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड इसके ना तो इंग्रेडिएंट बताए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्राइस वगैरह मेंशन किया गया है, ग्राम मेंशन किया गया है। तो इसका जो नेट वेट है वो है 1.2 ग्राम, एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 2 से 3 साल। ये 2-3 साल आपका आराम से ये आई शेडो चल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको का प्राइस मेंशन किया गया है, प्राइस है 125, लेकिन ये आपको 125 मतलब 125 में नहीं मिलेगा। डिस्काउंट तो चलते रहते हैं purple.com पर, तो आपको डिस्काउंट में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाएगा। अब मैं इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करूँ, तो पैकेजिंग है कार्डबोर्ड की, पैकेजिंग है बहुत मोटा कार्डबोर्ड है ये, बहुत मोटा सा जो कार्डबोर्ड कार्टून के जो कार्डबोर्ड देखे हैं वो उस तरीके से है, एंड आप ये देख ही सकते हो। और पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, एंड ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा आई शेडो। एंड यहाँ पे कुछ हर्सन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल दिया गया है कि 25 सालों से ये हर्सन्स की कंपनी जो है वो है। तो अभी यहाँ पर आपको ये आई शेडो दिख रहा है, वाइट कलर का है एंड इसमें शाइन भी बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको थोड़ा सा अपने हैंड पे लगा के दिखा देती हूँ कि ये इतना शाइन कर रहा है। आप देख ही सकते हो कि मेरी फिंगर पे निकालने के बाद इसने कितना अच्छा शाइन कर रहा है आई शेडो, कितना अच्छा है। थोड़ा सा ही लेने के बाद बहुत अच्छे से कलर निकल के आ जाता है, एंड पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है इस आई शेडो का। सारे आई शेडो का पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, एंड आप देख रहे हो शाइन कर सकता है। एंड ये आप हाईलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आप इसको आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, 2-in-1 है। अब मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ, ये कुछ डार्क पिंक में है। सबकी पैकेजिंग बिल्कुल सेम है, जैसी है एक की है वैसी सबकी हैं। एंड ये है एन वाई बे ब्लिंकिंग आई शेडो कार्नेजी हॉल 23, ये इसका शेड नंबर है, आपको इसी शेड नंबर से मिलेगा ये। एंड अभी मैं पैकेजिंग की बात करूँ तो सबकी पैकेजिंग सेम है सारी ही, एंड सब पे डिटेल भी सेम ही लिखा हुआ है, एंड प्राइस भी सबका सेम है, एंड सेल्फ लाइफ भी सेम है। और 2.5 ग्राम का आई थिंक ये प्रोडक्ट है, नहीं 1.2 ग्राम का प्रोडक्ट है। एंड दूसरी चीज़ ये है, इसका जो ओपन करने के बाद आप देखते हो ये आई शेडो है इसका, एंड ये कलर जो आप देख रहे हो बहुत ही प्यारा, एकदम डार्क जो पिंक है, एकदम रेड सा जो कलर है, रेड में भी नहीं है कलर, क्या बोलूँ इसको, आप लोग समझ आना प्लीज़ कौन सा कलर है ना, लेकिन लगाने के बाद बहुत खूबसूरत कलर निकल के आ जा रहा है ये, आप देख ही रहे हो। एंड दोनों ही कलर आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, वाइट एंड ये। और इसको बंद करने पे आपको पता है मैग्नेट लगा हुआ है नीचे, तो बहुत अच्छे से ये क्लोज भी हो जाता है, मैग्नेट लगा हुआ है इसमें अंदर। तो अब मैं यहाँ पे आपको तीसरा दिखा रही हूँ, एंड ये है एन वाई बे ब्लिंकिंग आई शेडो क्वीन 7, और ये इसका जो अंदर आप ओपन करने के बाद देख रहे हैं ये कुछ कलर है इसका, ये लाइट पिंक है गाइज। तो जो लाइट पिंक एक तरीके से मान लीजिए जो आप हाईलाइटर यूज़ करते हो ना, ये वो कलर है, एंड कलर बहुत प्यारा है। तो इसको तो आप ज़रूर हाइलाइटर की तरह लगाइएगा, बिल्कुल भी अलग नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि हाइलाइटर ही लगाया है। तो अब मैं आपको ये फोर्थ दिखा रही हूँ, ये भी है एन वाई बे ब्लिंकिंग आई शेडो C-Gram 4, ये इसका शेड नंबर है C-Gram 4। जो मैं शेड नंबर बता रही हूँ इन शेड नंबर के नाम से ही आपको ये आई शेडो मिलेंगे, अगर इनमें से कोई भी अच्छा लगता है। एंड दूसरी चीज़ ये कि ये आई शेडो मेरा टूटा हुआ है गाइज, और ये मेरे को जब मैंने इसको ओपन किया था तभी ये मेरे को टूटा हुआ मिला था, आई थिंक ये वहीं से टूटा हुआ आया था, मेरे ओपन करने से नहीं टूटा है। तो अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ, यूज़ तो कर ही सकते हैं अपन, तो बस हम इस तरीके से ले रही हूँ। एंड अब कलर भी आप देख सकते हो कि कितना ये येलो कलर है, एक गोल्डन जो कलर रहता है वो कलर है ये।
तो आप ब्राइडल के लिए अगर कोई गोल्डन कलर ढूंढ रहे हो तो बहुत ही परफेक्ट कलर है, आप ये ले सकते हो। बहुत प्यारा कलर है, आप देख सकते हो लगाने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। एंड सारे ही इन सारे शेड में शाइन है, इसके जितने भी कलर हैं इन सब में शाइन मिलेगा आपको। तो गाइज मैं तो बोलूँगी ये चारों जो कलर हैं बहुत ही परफेक्ट कलर हैं, हर किसी आउटफिट के साथ बहुत ही परफेक्ट जाने वाले हैं। तो गाइज मैं तो बोलूँगी कि आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जो लिंक मैंने दे रखा है नीचे उस पर क्लिक कीजिए और अपने लिए परचेज कर लीजिए। तो आई होप गाइज आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो, रिव्यू पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स डालती रहती हूँ, तो गाइज आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो इंस्टाग्राम। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ गाइज प्लीज़ घर पर रहिए एंड सुरक्षित रहिए।